नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त प्रिंस उपाध्याय। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा में आपको ले चलेंगे आस्था के उस सफर पर जो सुनाता है कहानी शिव की तपस्या की। तो दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश के गंगा जी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, इसका नाम है राम झूला। और सेम इसी तरह का झूला है बाजू में है, वो है लक्ष्मण झूला। तो इस वक्त वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए हम राम झूला से जा रहे हैं। यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, और यहाँ से बाइक भी जाती है, स्कूटर भी जाता है और साइकिल भी जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं स्कूटर से, हमने रेंट पे लिया है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे हमें रेंट पे मिला, क्या करना है क्या नहीं, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोविड का। यहाँ पे बहुत चेकिंग हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पे है कुंभ मेला। तो यहाँ पे आप सभी को, जो अपने फैमिली के साथ आ रहा है, जो नहीं भी आ रहा, उन सबको यहाँ पे ध्यान रखना है। कोविड का मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और हर जगह पे आपको गंदगी सी यहाँ पे नहीं करनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना साफ सुथरा है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ कैसे जाना है महादेव नीलखंड। हेलो गाइस, इस वक्त मैं नीलखंड जा रहा हूँ। यहाँ पे 200 रुपये सवारी आवन जावन, लेकिन हमने और मेरे पापा भाई जो गाड़ी चला रहे हैं अपने, हमने दिमाग लगाया, रेंट पे एक स्कूटी लिया 200 रुपये की, और हमको 100 रुपीज़ पड़ी है। आपको कैसा लग रहा है? आने जाने का ट्रैवलिंग 100 रुपीज़ में पड़ा है, जाने का 100, आने का मतलब हम लोगों को 400 रुपीज़ में ये स्कूटी मिल गई है, जो यहाँ के नॉर्मल चार्जेस इतना ही है। और ये बहुत अच्छा है कि आप आइए यहाँ पे, विजिट करिए और चलाइए, बहुत मस्त चीज़ है। तो गाइस, अब मैं मंदिर जाके मिलता हूँ। जब सृष्टि को विष की ताप से बचाने के लिए महादेव ने स्वयं विष को ग्रहण कर लिया और कहला गए नीलकंठ महादेव। लेकिन विष की ताप से भगवान शिव ने ऋषिकेश में पर्वतों के बीच तलहटी में सदियों का वक्त गुजारा और भगवान की उपस्थिति में इस भूमि को पावन बना दिया। तो आप भी चलिए हमारे साथ ऋषिकेश और कर लीजिए भोले के इस पावन धाम का दर्शन। आज हम आए हैं इस सफर पर ले जाने के लिए, जो है आस्था का सफर, जो भगवान भोलेनाथ की तपस्या का सफर, और जो जन्म जन्मांतर का पापों का पल में खत्म कर देने का सफर। और इस सफर की मंजिल है ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर। हर हर महादेव, जय शिव 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 शिव। ऋषिकेश के पंकज और मधुमती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो सिर्फ मंदिर नहीं है, गवाह है उन पलों का। तीनों लोकों के मालिक भगवान शिव जी आए थे और इस जगह को बनाया था अपने तपोभूमि। मान्यता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर में आकर भगवान का जल अभिषेक कर उनका दर्शन पूजन करने से भक्तों को भी ठीक उसी तरह का कष्टों से मुक्ति मिल जाती है जिस तरह महादेव की कंठ का जलन शांत हुआ था। शिव जी को नीलकंठ महादेव कहने की कहानी कुछ यूं है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें से एक विष भी प्राप्त हुआ और भगवान शिव ने खुद ही पी लिया, और विष की तीव्रता से उनका गला नीला हो गया, तभी से शिव जी को नीलकंठ महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। तो यह है मुख्य द्वार, आप देख सकते हैं कोविड की वजह से यहाँ पे सर्कल बनाया गया है, इतने इतने मीटर की दूरी पे रहना है। तो दोस्तों, ये है मंदिर, और आप सबसे पहले दर्शन लीजिए हमारे प्यारे नंदी बैल का, जो है शिव जी की सवारी और उनके प्रिय भी। तो दोस्तों, आपको जिस चीज का इंतजार था, हमारे सामने है महादेव जी। और आप देख सकते हैं आपके सामने है मंदिर का द्वार, जहाँ पे लगी अलग अलग तरीका की मूर्तियाँ, और जस्ट इसके ऊपर है यह हमारे शक्ति के दादा बजरंगबली और हमारी माँ माताजी का मंदिर। तो अगले वीडियो में आपको मैं वहीं का दर्शन कराने वाला हूँ। जय बजरंगबली, जय माताजी। तो दोस्तों, उससे पहले आप देख लीजिए मंदिर के ठीक सामने है सिद्धि समाधि स्थल। तो आप यहाँ पे आके रक्षा बांध सकते हैं, और जो आप जब चढ़ाने जाते हैं तो उसमें आपको शहद मिलता है और गुलाब जल मिलता है, तो आप अंदर नहीं चढ़ा सकते, आपको यहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर नीलकंठ महादेव मंदिर का आपको दर्शन हो गया है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है।